और कौन सा सॉन्ग गा रहे थे आप मेरे घर? पर बन रही है शाम की चाय, वो भी डोसा बनाते हुए मम्मी का और लेना है क्योंकि इतना नहीं हम डोसा बनाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत अच्छे होंगे सभी, वी होप। आज की जो व्लॉगिंग हो रही है वो हो रही है स्पेशल बिकॉज बच्चों के पेपर हमारे दोनों चंगू मंगू के, कार्तिक और केशव, उनके एग्जाम खत्म हुए और मतलब उनका डिमांड था कि बुआ के यहाँ जाना है, या तो मुझे छोटी बुआ के पास भेजो या बड़ी बुआ के पास। तो बड़ी बुआ पास में है तो बड़ी बुआ के यहाँ आए हैं और शाम हो रही है अभी, तो शाम की व्लॉगिंग है। सुबह से आ चुके थे, उधम मचा रहे थे। क्यों मॉम? सिर्फ मोबाइल के साथ। हाँ, सिर्फ मोबाइल के साथ। और ये हैं दूसरे, कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं। शाम हो रही है तो डिमांड था कि हमें कुछ खाना है, कुछ तो बुआ कुछ खिलाओ हमें, तो मंगाया है इनके लिए। क्या चाट मंगाई है? कुछ तो चलिए खाते हैं, आप सभी भी टेस्ट करना, बताना चाट कैसी बनी है। आप सभी भी खाइए, लीजिए। गोलगप्पा चाट है, ओह तो टेस्टी होगी। और इनके ही डिमांड पे बच्चों, क्या डिमांड था कि क्या खाना है आज रात में बुआ के हाथ का? डोसा। तो डोसा भी बनने वाला है आज, तो इस व्लॉग को एंड तक देखें, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और एंड तक बने रहें। तो यहाँ पे ये चाट आई है दोनों के डिमांड पे, और ये देखिए सबसे पहले सबसे छोटी बच्ची खा रही है। सही बना होगा तो जल्दी से चाट खाया जाए। मैं भी, मुझे भी रुका नहीं जा रहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग हो रही है मंगू के साथ, और कल डोसा नहीं बनाया बुआ ने, बिकॉज वो फर्मेंट ही नहीं हुआ था, उसको सोक करके रखा था और वो फर्मेंट नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो, तो ब्रेकफास्ट में डोसा बनेगा। बाकी हम सभी उठ चुके हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं बस, है ना? तो अर्ली मॉर्निंग सभी उठ गए हैं आज, बस चाय पिया है, बच्चों ने चाय नहीं पिया है, हम सभी ने चाय पिया है। और चलिए बच्चों अब क्या करना है, ब्रश कर लो और इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना? और मम्मी का डोसा इन प्रोग्रेस चल रहा है, इसका आलू मसाला बैटर तैयार कर रही है मम्मी, और बैटर दिखाना। हाँ ओके, ये देखिए कौन आए हैं, ये आए हैं हमारे छोटे नाना और इन सबके दोस्त बाबा, जिनसे आप व्लॉग में मिले थे जनऊ वाले। और नाना बाबा नारियल छील रहे हैं क्योंकि नारियल वाली चटनी बनने वाली है। क्यों बच्चों? और यहाँ पे डोसा बनाते हुए मम्मी का और तवा खराब हो चुका है, इसलिए इग्नोर करें। हाँ, एक नया तवा भी लेना है क्योंकि इतना नहीं हम डोसा बनाते हैं कि ये बेचारा नॉनस्टिक, अब नॉर्मल डोसा चीला यही सब बनता है, नॉनस्टिक तवा नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मल से ही देखिए सब डोसा बनता है तो पूरा बिखर जाता है। जब हो गया सबका नाश्ता पानी हो गया ना, आप बच्चे हो, बच्चे खा चुके हैं, तो अब मैंने कहा कि जल्दी से शूट करो और इसमें मैं फीलिंग, और मैं दिखाती हूँ बच्चे खा चुके हैं और कर क्या रहे हैं। ये महाशय हमारे बुआ के साथ ही लगे रहते हैं, बुआ किचन में काम करेंगी और ये यहाँ पे बैठे रहते हो। और इसको देखो, इसको देखो, ये पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई होती है इसकी फोन चलाते हुए, फोन में पता नहीं क्या सुन रहा है और पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई में क्या कर रहे हो? और यहाँ नहाने धोने के बाद क्या हो रहा है, नहा के मॉम रेडी हैं और यहाँ बना रही हैं मॉम नमकीन चावल, वो भी खूब सारी सब्जियाँ डाल के। और उसके लिए कौन नाराज हो गया अभी? अभी अच्छा, हाँ इन दोनों के डिमांड पे नमकीन चावल बन रहा है। नमकीन चावल में ऐसा क्या है? अपने भतीजों के लिए नया कुकर निकाला, अब हंस रही हो? इसने फरमाइश की है नमकीन चावल ना, है ना? बुआ के हाथ का नमकीन चावल अच्छा लगता है, इसको पसंद है मेरे हाथ का नमकीन चावल। पढ़ रहे हैं मेरे दोनों बच्चे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिखा दूंगी मैं कितना पढ़ रहे हैं, अभी दिखाती हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे ही है, बचा हुआ मैंने खाया,
इसने नहीं खाया, थोड़ा सा खाया, और अब मैं चाय बना रही हूँ। ओके, और यहाँ केशव ने ऐसे अपना नाश्ता किया था कि उसको भूख नहीं लगी, लंच नहीं हुआ उसका, है ना। तो सारे नमकीन चावल ऐसे कैसे हैं? कैमरा के ऑन होते ही केशव बिल्कुल सज्जन व्यक्ति बन जाता है। और ये हमारे, ये तो नटखट है ये। आप फिरे, आप कैमरा बंद कर लो। किससे पहले दिमाग फिरे? कुछ नहीं। क्या कर रही हो अब आप? चाय बना रही हूँ। चाय के साथ कुछ नाश्ता? नमकीन चावल, न्यूट्री चॉइस बिस्किट, ओट्स कुकीज। और फोन गिराया इन्होंने, हाय राम। और यहाँ पर बन रही है शाम की चाय, वो भी दीदी के हाथ की। तो दीदी इसको चाय कम, काढ़ा ज्यादा बना देती हैं। ये देखो, डांट भी पड़ रही है साथ में क्योंकि फोन गिराया है बच्चों ने। बस बस, आ जाओ आ जाओ, चाय रो रही है इधर। कोई नहीं, बच्चे हैं, मजे करने के लिए आए हैं बुआ के घर पे। डांटो मत मेरे बच्चों को। हाँ मैं डांटती हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डांटती, सीधे मार देती हूँ। केशु यहाँ पे गुस्सा हो चुका है क्योंकि मैंने इसे डांट दिया। डांटा क्यों? फ्रूटी दिया है, फ्रूटी भी गिरा ली और फोन देखने के चक्कर में फोन भी गिरा दिया। अजब की ये रहता है कि फ्रूटी दिया तो फ्रूटी पी लो, आप फोन देखने के टाइम फोन देख लो। आपको नहीं पता, फोन देखते देखते कुछ पीने का जो मजा है ना, वो केशव ही जानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और कौन सा सॉन्ग गा रहे थे आप? मेरे घर आया एक नन्हा परा। नन्ना परा तो ये है ना, ये फुल साइज परा है। तो यहाँ पे चाय और बिस्किट चल रहा है। बिस्किट जैसा कि ओट्स कुकीज हम खा रहे थे, ये देखिए कौन सी है, ब्रिटानिया की न्यूट्री चॉइस ओट्स कुकीज। वैसे तो ओट्स कुकीज नाम लेते ही पता चल रहा है कि ठीक है हेल्दी होगा, लेकिन मैं कुछ इंग्रेडिएंट पढ़ के बताना चाहूंगी, थोड़ा सा ध्यान देना आप सभी। पैक के ऊपर सीधा सीधा लिखा हुआ है न्यूट्री चॉइस ओट्स कुकीज, बहुत हेल्दी लग रहा है। नॉर्मल बिस्किट 10 रुपए की आती है इतनी बड़ी, और ये 20 की है डबल। लेकिन इसमें जरा ओट्स परसेंटेज है कितना, ये देखिए। ओट्स कुकीज के नाम पे भी इसमें मैदा डाल रखा है 38%, कोल्ड ओट्स है सिर्फ 14%। मतलब तुम डबल पैसे भी ले रहे हो और फिर भी सिर्फ 14% ओट्स दे रहे हो, और इसमें वीट ब्रांड दे रखा है 2.7%, लेकिन मैदा तो फिर भी 38% है ही। पढ़ के कौन, तो इतना पढ़ के कोई प्रेफर तो करता नहीं। ओट्स कुकीज लिखा है तो हम सोचते हैं कि पूरा ओट्स से बना होगा, हेल्दी होगा, खुश होके ले आए। और अगर 14% ओट्स है तो बाकी क्या है। ऐसे ही ओट्स मैगी भी आती है, आटा मैगी भी आती है, सबके अंदर इंग्रेडिएंट चेक करें, मैदा का परसेंटेज रहता ही रहता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैदा इंक्लूडेड ना। और मैं आपको बताऊं, जब ये आया था सामान मैं ही गई हूँ लाने, मगर दीदी जब भी जाती है तो वो नॉर्मल वाला ही लाती है, नॉर्मल वाला लाती है, और वो बहुत सारी चीजें रीड करती है, इतना मुझे ध्यान है। मैं तो ऊपर का देखती हूँ ये है ले आए, क्योंकि मुझे पता होता है कई लोग होते हैं आटा मैगी खाते हैं, ठीक है, आटा मैगी खाते हैं। इवन जो ब्राउन ब्रेड लेते हैं हम, प्रॉपरली कहते हैं वीट फ्लोर का है, उसमें भी आप इंग्रेडिएंट चेक करोगे तो मैदा डलता ही डलता है, डाल देते हैं वो मैदा, वही बात है ना। तो इतना अगर आपको खाना है तो या तो छोड़ दो बिस्किट खाने ही छोड़ दो, आटा कुकीज में भी मैदा डला रहता है। तो बिस्किट खा रहे हो तो नॉर्मल कुछ भी खा लो यार, और अवॉइड करो, ये बेस्ट है। ये नहीं कि ओट्स कुकीज के नाम पे ओट्स कुकीज हम खा रहे हैं और मैदा इंटेक हमारा हो नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहें, तो खा लेते हैं ओट्स कुकीज, अगली बार से मैदा वाली ले आएंगे जब खाना ही है तो। पार्टी बुलावा आ गया है, कल से क्लासेस स्टार्ट है इसलिए जाना पड़ेगा। बाबा लेने आए, क्या पी रहे हो? गाय का नहीं है भाई, बफेलो का है। तो क्या कर रहा है? जाने की तैयारी। ओह बेचारों का ना 5 तक छुट्टी थी ना, 6 पर... क्लासेस थे, मगर अभी आया, मतलब मैसेज आया अर्जेंट में कि कल से ही है, तो बेचारे क्या कर सकते हैं। तो जा रहे हैं चंगू मंगू। अगर आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हाँ जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Let roll up to the